आज हम एकदम आसान रेसिपी के साथ शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी शानदार सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज की शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर हम ये सारी शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। मैंने लगभग 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है ताकि शिमला मिर्च बिल्कुल भी फीकी ना लगे। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। एकदम से नहीं गलाना है, हल्का सा इसमें क्रंच रखेंगे। तो हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। अब हम शिमला मिर्च को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में फिर से 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए। और अब हमने यहाँ पर एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को हम लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, या जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है हमें प्याज को भून लेना है। और ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है, साथ ही 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हो। अदरक और हरी मिर्च को भी 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, अदरक हरी मिर्च को भी हमने भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लिया है। ये जो नाश्ते वाली चम्मच आती है उससे हमने 1 चम्मच लिया है, एकदम ऊपर तक भरकर नहीं लेना है। अब हम बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। बेसन डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी बनती है। और ये लीजिए, बेसन को भी हमने अच्छे से भून लिया है और इसका कच्चापन भी निकल गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। साथ ही 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इन मसालों को भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए। और मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। और ये लीजिए, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, इनके किनारों से तेल अलग होने लगा है। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी ले सकते हो। साथ ही हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से सबको मिक्स कर दीजिए। और अब हमें टमाटर को एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो पहले मैंने टमाटर को 2 मिनट के लिए भुना है और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर करके टमाटर को एकदम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये लीजिए, टमाटर को पकाते हुए हमें लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। टमाटर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ताज़ा दही लिया है। दही को मैंने फेंट कर लिया है। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि ग्रेवी में उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है। वैसे तो इसमें दही नहीं फटेगा क्योंकि हमने बेसन को पहले इसमें भुना हुआ है। तो बस इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। दही डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये लीजिए, ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है। दही अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर करके इसे ढक कर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये लीजिए, हमने इसे ढक कर 2-3 मिनट के लिए पकाया और दही भी बहुत अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हो कितनी गजब की ग्रेवी लग रही है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये फ्राई की हुई सारी शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप शिमला मिर्च की ये सब्जी ट्राई जरूर कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम सब्जी में 2-3 चम्मच गरम पानी डाल देते हैं क्योंकि मुझे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी लग रही है। अभी हमें शिमला मिर्च को भी लगभग 5-6 मिनट के लिए पकाना है। तो बस अब हम शिमला मिर्च को
खुले में ही 5-6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। खुले में पकाएंगे तो शिमला मिर्च का कलर मेंटेन रहेगा, एकदम से चेंज नहीं होगा। तो बस अब हम इसे 5-6 मिनट के लिए पका लेते हैं। और ये लीजिए, सब्जी को हमने लगभग 6 मिनट के लिए पकाया है और ये हमारी शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को पूरी, पराठा, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।